टेम्पल रन, वो गेम्स जो कि इस वीडियो को देखने वाले हर एक बंदे ने खेले होंगे, वो गेम्स जिन्होंने 3D एंडलेस रनिंग गेम्स की शुरुआत की थी, जो 2014 में कुछ गिने चुने गेम्स में से एक थे 1 बिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट करने वाले। आज की डेट में उन्हें कोई पूछता तक नहीं, इवन टॉप 50 मोस्ट डाउनलोडेड गेम्स की लिस्ट में भी कहीं नहीं आते। तो ऐसा क्या हुआ कि आज टेम्पल रन गेम्स अपनी 96% पॉपुलैरिटी खो चुके हैं, बताऊंगा इस नॉस्टैल्जिया से भरी वीडियो में। अब फॉल को जानने से पहले राइज को समझना पड़ेगा, या फिर टेम्पल रन गेम्स इतने पॉपुलर हुए कैसे। तो देखो, ये टाइम है 2009 का। इस टाइम तक मार्केट में कुछ एंडलेस रनिंग गेम्स आने लगे थे, बट वो 2D फ्लैश गेम्स थे जिनमें बस आपको ऑब्स्टिकल से बचना है एंड कैरेक्टर भाग तो खुद ही रहा होगा। इसके एग्जांपल्स है कैना बेल्ट, रोबो यूनिकॉर्न अटैक एटसेट्रा। इन गेम्स की भले ही थीम्स अलग हो, बट बेसिक गेम मैकेनिक्स वही था कि जंप करके आपको ऑब्स्टिकल से बचना है। कैना बेल्ट को ना इस जॉनर का फर्स्ट गेम माना जाता है। ऐसे गूगल के टीरेक्स भी एक 2D एंडलेस रनर ही है, बट वो 2014 में आया था, जो कि काफी लेट है। मेरा ये सब बताने का मोटिव यही है कि ये एंडलेस रनिंग वाले जॉनर का बीज एडम ने कैनेबेल्ट गेम के साथ बो दिया था, लेकिन ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ कि मेन कल्चर का ही पार्ट बन गया। बट फिर एक हस्बैंड और वाइफ इस एंडलेस रनिंग जॉनर को रेवोल्यूशनाइज करने वाले थे। इमांजी स्टूडियोज, ये वो कंपनी है जिसने टेम्पल रन गेम्स बनाए, बट इसकी शुरुआत 2008 में करी थी एक कपल ने। ये है नेटालिया लेकियानोवा एंड कीथ शेपर्ड। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इनके साथ थे किरिल चेंगोव, जो कि गेम आर्टिस्ट हैं। स्टार्टिंग में ये लोग मिलके कुछ गेम्स बनाने लगे, लाइक इमांजी वर्ड स्क्वायर, हार्बर मास्टर, बट वो गेम्स कुछ खास नहीं चल रहे थे एंड थोड़ा बहुत ही रेवेन्यू आ रहा था। बट इन्हें क्या पता था कि इन तीन लोगों की किस्मत कैसे पलटने वाली है। अगस्त 4, 2011 को इन्होंने लॉन्च किया टेम्पल रन, जिससे पहले वो 7 गेम्स ऑलरेडी बना चुके थे एंड उनका लास्ट गेम मैक्स एडवेंचर एक कमर्शियली फ्लॉप गेम था। तो इसलिए उन्होंने टेम्पल रन में उसी का इंजन यूज करा एंड उसे एक पेड गेम करके लॉन्च किया iOS ऐप स्टोर पे। स्टार्टिंग में कुछ खास नहीं हुआ, ठीक ठाक सक्सेस मिल चुकी थी, टॉप 50 पेड के चार्ट में भी आ गया था गेम, मतलब लोग पसंद तो कर रहे थे गेम को एंड डाउनलोड्स भी बढ़ रहे थे धीरे धीरे। तो टीम ने ना एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेने का सोचा, एक ऐसा डिसीजन जो शायद उनकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होने वाला था, गेम को फ्री टू प्ले कर देना। जी हाँ, दिसंबर 2011 में गेम फ्री कर दिया गया सबके लिए एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ये बन गया नंबर 1 फ्री iOS ऐप एंड इवन टॉप ग्रॉसिंग iOS ऐप भी। उस टाइम पे तीन लोगों की टीम ने जिंका जैसी कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया था पॉपुलैरिटी के मामले में। फिर जब एंड्रॉइड वर्जन रिलीज हुआ नेक्स्ट ईयर, तो उसके पहले 3 दिन में ही 1 मिलियन डाउनलोड्स क्रॉस हो गए थे। इमांजी अब सिर्फ तीन लोगों की टीम नहीं बल्कि एक प्रॉपर स्टार्टअप बन रहा था, जिसमें बहुत डेवलपर्स आ गए थे। टॉयज, कॉमिक बुक्स एंड मर्चेंडाइज तो साइन हो ही रहे थे, बट उन्हें बड़े ब्रांड्स के साथ पार्टनर करने का मौका मिला। 2012 के जून में हमें पता लगा कि ब्रेव मूवी को प्रमोट करने के लिए डिज्नी पिक्सार ने इमांजी के साथ पार्टनर किया एंड उन्होंने रिलीज किया टेम्पल रन ब्रेव, जिसमें मूवी की लोकेशंस थी, कैरेक्टर्स थे एंड बाकी सब सेम ही था। बस टेम्पल रन का एक रीस्किन वर्जन लग रहा था, जिसमें एक आर्चरी का नया फीचर डाला गया, बट स्टिल गेम बहुत चला। ऐसी एक कोलैबोरेशन उन्होंने डिज्नी के साथ दोबारा किया टू प्रमोट ओज द ग्रेट एंड पावरफुल, जिसके लिए 2013 में लॉन्च हुआ टेम्पल रन ओज। उधर जमैका के उसेन बोल्ट टेम्पल रन खेलते थे रेसेस से पहले, लाइक चिल करने के लिए। जब इमांजी को ये पता चला तो उन्होंने उनके साथ कोलैबोरेट करके उनका प्लेबल कैरेक्टर ही गेम में डाल दिया एंड इसी के साथ जनवरी 2013 में उन्होंने टेम्पल रन 2 को भी लॉन्च किया, जिसे कुछ लोग कह रहे थे कि क्या जरूरत है इसकी, बट डेवलपर्स का कहना था कि वो ओरिजिनल गेम में ना बहुत से नए फीचर्स नहीं डाल पा रहे हैं, इसलिए नया गेम बनाना पड़ा। ये नए फीचर्स हमें दिखे भी, लाइक जिप लाइंस, माइंड ट्रैक्स, वाटरफॉल्स, जेट्स ऑफ फायर। फर्स्ट गेम एक एंशियंट टेम्पल में सेट था जो कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से इंस्पायर्ड था, बट इस बार नई लोकेशंस डाली गई एंड हमारे गाइड डेंजरस के पीछे अब मल्टीपल डीमन मंकीज नहीं बल्कि सिर्फ एक बहुत बड़ा डीमन मंकी पड़ा था। ओवरऑल ग्राफिक्स काफी इंप्रूव थे एंड इसे खेलने में ज्यादा मजा भी आ रहा था, इसलिए क्रिटिक्स ने अच्छी रेटिंग दी इसको और साथ ही लोगों को भी ये बहुत पसंद आया। मतलब इतना पसंद आया कि रिलीज के सिर्फ 4 दिन के अंदर 20 मिलियन डाउनलोड्स हो गए थे और इवन 2014 में इन दोनों गेम्स ने मिलकर 1 बिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट कर भी लिए। बट डेव्स को क्या पता था कि यहीं से टेम्पल रन सीरीज का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। 2016 में अनाउंस किया गया एक नया टेम्पल रन गेम जिसका नाम है टेम्पल रन ट्रेजर हंटर्स। इसे स्कोपली के साथ मिलकर बनाया गया एंड 2017 में लॉन्च हुआ ये। अब जिसने भी खेला है ना या ट्रेलर देख ही रहे हो, तब ये समझ जाओ कि टेम्पल रन नहीं लग रहा। हाँ, आप अभी भी टेम्पल्स एंड रुइंस में रन कर रहे हो एक एंशियंट आर्टिफैक्ट लेके, बट अब इंक्लूड कर दी गई है पजल्स जिन्हें आपको सॉल्व करना होगा आगे बढ़ने के लिए एंड इसके लिए इन्होंने किससे इंस्पिरेशन लिया है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। तो ये गेम टेम्पल रन फ्रेंचाइज से काफी अलग लग रहा था, इसलिए इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं किया जितनी उम्मीद
जीत थी। इसकी लॉन्च के बाद पॉपुलैरिटी में भी कुछ खास फर्क नहीं आया, बट उधर टेम्पल रन 2 ने 500 मिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट कर लिए थे गूगल प्ले स्टोर पे। ये बात है 2018 की। उसके बाद एक और टेम्पल रन का गेम आया जिसका नाम है टेम्पल रन आइडल एक्सप्लोरर्स। एंड अगर आप इसका ट्रेलर देखो ना तो समझ रहे हो कि जैसे आजकल के अजीब से कैजुअल गेम्स चलते हैं ना, ये वैसा ही लग रहा था। हैरानी की बात है कि इस गेम को उन्होंने बिल्कुल एडवर्टाइज ही नहीं किया। आई मीन ना ही इनकी वेबसाइट पे दिखता है और ना ही इनके प्ले स्टोर पेज पे, बस सर्च करने पे आ जाता है। तो डाउनफॉल का मेरे हिसाब से एक रीजन तो यही था कि बिल्कुल अलग टाइप की गेम्स बनाने शुरू कर दिए एंड प्रॉपर एंडलेस रनर का 2014 के बाद कोई भी गेम नहीं आया। फिर यार इस गेम के ना कॉपी कैट्स भी बहुत बने। अब GTA या Minecraft जैसे किसी गेम के कॉपी कैट्स बनाओगे तो उनसे ओरिजिनल गेम को फर्क नहीं पड़ेगा, बट टेम्पल रन तो एक ऐसा गेम है जिसमें आप बस भाग ही रहे हो, इसलिए इनकी सक्सेस को देख के ढेरों क्लोन्स बनने लग गए। लाइक टेम्पल गन्स, टेम्पल जंप, पिगी रन, जॉम्बी रन, पिरामिड रन, ये तो कुछ ऐसे गेम्स थे जो कि बिल्कुल ही कॉपी हैं। फिर उसके अलावा कुछ और गेम्स बने जो कि प्रॉपर क्लोन तो नहीं थे बट इससे ही इंस्पायर्ड थे, लाइक एजेंट डैश या फिर सबवे सर्फर्स। जी हाँ, सबवे सर्फर्स भी इसी से इंस्पायर्ड है, जो आज की डेट में टेम्पल रन से भी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। जहां एक तरफ टेम्पल रन खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ सबवे सर्फर्स ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके राइस पे वीडियो बनाऊं तो बताना मेरे को नीचे कमेंट्स में। बट इन सिमिलर गेम्स से ना टेम्पल रन को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि अगर आप एक भी इनमें से गेम खेल लो तो वो इनफ है आपके लिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। सो टेम्पल रन खेलो या पिरामिड रन, सिमिलर ही एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। इसके डेव्स ने भी शुरू में कॉपीकैट्स को देख के कहा कि यार बहुत फ्लैटरिंग है तो इस कॉन्सेप्ट पे इतने सारे गेम्स आ रहे हैं, पर फिर कुछ टाइम बाद बहुत से क्लोन गेम्स हटवाए भी गए कॉपीराइट की वजह से। बट अब बहुत देर हो चुकी थी एंड ये गेम्स अपना डैमेज कर चुके थे। फिर एक ये भी पॉइंट है कि मांझी कुछ नया इनोवेट नहीं कर पाया इस जॉनरा में, मतलब टेम्पल रन 2 के बाद कुछ नया उन्होंने निकाला ही नहीं और जो आया वो भी दूसरों से कॉपीड होने लगा एंड इवन वो फ्रेंचाइज को ज्यादा एक्सपैंड भी नहीं कर पाए। हाँ, इसकी कुछ मर्चेंडाइज आई और इवन वॉर्नर ब्रदर्स के साथ हॉलीवुड मूवी भी बनने वाली थी, बट वो हुआ नहीं और टेम्पल रन की पॉपुलैरिटी सीधा नीचे जा रही थी। वैसे भी ये वो गेम्स है जो कोई लंबे टाइम तक नहीं खेल सकता। फिर डेवलपर्स खुद भी इतने अच्छे अपडेट्स लाए नए गेम में, जैसे कि जो टेम्पल रन 1 है या उसे अब टेम्पल रन क्लासिक कहा जाता है, उसका कोई अपडेट ही नहीं आया। बट हाँ, टेम्पल रन 2 के अपडेट्स अभी भी आ रहे हैं जिससे गेम थोड़ा बहुत सर्वाइव कर पा रहा है। लेकिन टेम्पल रन और इनके डेवलपर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने वो करके दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पॉसिबल है, एंडलेस रनर्स को कल्चरल फिनोमिना बनाना। आई मीन हाँ, टेम्पल रन कोई पहला ऐसा गेम नहीं था, 1999 में पेप्सी मैन गेम आया था प्ले स्टेशन पे जो कि रनर गेम था, बट टेम्पल रन ही वो गेम है जिसने 3D एंडलेस रनर्स को पॉपुलराइज किया, जिसमें सबवे सर्फर्स का भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। बट इनके बाद जितने भी गेम्स आए ना एंडलेस रनर्स, वो इन्हीं से इंस्पायर्ड थे। बड़ी गेम फ्रेंचाइजीज ने अपने एंडलेस रनर्स निकालने शुरू कर दिए, लाइक क्रैश बैंडिकूट द रन, सुपर मारियो रन, सोनिक डैश। फिर मूवीज अपने को प्रमोट करने के लिए एंडलेस रनर्स बनाने लगी, लाइक जुमांजी एपिक रन, हंगर गेम्स कैचिंग फायर और अभी लेटेस्ट आया राम सेतु द रन। फिर यार इनको क्रेडिट जाता है हमारे चाइल्डहुड को इतना ज्यादा मजेदार बनाने के लिए। आप में से ज्यादातर लोग शायद इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि उस टाइम हम लोग ये गेम कितना ज्यादा खेला करते थे। दोस्तों से कंपटीशन लगाते थे कि कौन ज्यादा स्कोर बना पाएगा। स्कूल से आते वक्त हम रस्ते में ड्राइवर का फोन लेके गेम ही खेल रहे होते थे या घर आके भी इसे खेलना स्टार्ट कर देते थे। क्या दिन थे वो। और आजकल के जो हाइपर कैजुअल मोबाइल गेम्स चलते हैं वो तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। और आपका भी शायद मन कर गया होगा इन गेम्स के बारे में सुनकर कि यार एक बार दोबारा डाउनलोड करके खेलते हैं, क्योंकि नॉस्टैल्जिया है यार। बट हाँ, बात आती है कि मांझी एंड टेम्पल रन का क्या चल रहा है एंड फ्यूचर कैसा रहेगा, क्योंकि एज अ फैन मैं तो चाहूंगा कि ये सीरीज वापस से पॉपुलर हो एंड हमें कुछ नया देखने को मिले। खैर, अभी तो डेवलपर्स टेम्पल रन 2 के ही अपडेट्स निकालते रहते हैं, जिसमें इवन इंडिया से इंस्पायर्ड जंगल मैप भी डाला गया था जिसके अंदर 2 इंडियन कैरेक्टर्स भी हैं और होली अपडेट भी आया था। तो ये उनका गिफ्ट था इंडियंस के लिए, क्योंकि टेम्पल रन को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इंडिया, पाकिस्तान एंड साउथ ईस्ट एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज में ही मिली है। बट आज के टाइम में अगर वापस पॉपुलैरिटी गेन करनी है ना तो कुछ सोशल मीडिया ट्रेंड से ही हो सकती है, जिसकी वजह से सबवे सर्फर्स एंड गेटिंग ओवरहेड भी वापस पॉपुलर हुए थे। और अगर वैसा हो पाया तब इमांझी को उस पॉपुलैरिटी का फायदा उठा के इसकी मूवीज, एनिमेटेड शोज, एनिमे, स्पिन ऑफ, एम्यूजमेंट पार्क्स, जो हो सकता है ना सब कुछ बना देना चाहिए, जैसे कि एंग्री बर्ड्स ने किया था। उसकी स्टोरी जानने के लिए लेफ्ट वीडियो देखो एंड GTA 6 के अपकमिंग फीचर्स जानने के लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं चला टेम्पल रन डाउनलोड करने।